और ये रहा भाई मनीत का बैग जो खुलने वाला है अभी। ओहो, इसमें क्या क्या निकल सकता है? कुछ भी निकल सकता है, कपड़े, जूते, चप्पल, मेकअप, बैग्स, एनीथिंग इज पॉसिबल। पर मुझे इतना पक्का पता है, मतलब घर के लोगों के लिए गिफ्ट्स होंगे इसके अंदर, पक्की बात है, इसलिए सब लोग आ जाते हैं फटाफट। वो देखो रसम होती है, वो रसम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम इसका सामान भी मार सकते हैं, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना नहीं कह सकती। हाय हाय, ये खुल गया। टन टन, जो पसंद आ रहा है उठा लो, ये भी खोलो। ओके, ये तो कपड़े हैं, ये सब, ये तो जेंट्स के कपड़े हैं ना। सब भाई खाने के लिए बैठे हुए हैं भाई, और मैं आपको थोड़ा बाहर चल के बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त मस्त ही, मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी घर पे, काफी आराम मिल रहा है भाई अब घर पे, क्योंकि ऐसा है ना, पहले लगातार भगदौड़ मची हुई थी, अब आराम से सो पा रहे ना घर में, तो बहुत मस्त लग रहा है। वैसे आज ना अपना मतलब भाई, कजन भाई अमर भैया, जिनकी शादी हुई ना 6-7 महीने पहले ही, मैंने आपको बताया था ना, वो जाने वाले हैं, उनके साथ अंकित भैया भी जाने वाले हैं और भाभी जाने वाली हैं। मतलब वैसे तो औरंगाबाद से 7 जने आए हुए हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही जने जाएंगे, बाकी सब लोग अभी घर में ही रहेंगे। मज़े काफ़ी आने वाले हैं भाई। आज वाले ब्लॉग में ना आपको चूल्हा चढ़ाई भी दिखने वाली है, मतलब आज मनीत को चूल्हा चढ़ा दिया जाएगा और उससे कुछ मीठा बनवाया जाएगा, रसम होती है। और आज ना अभी मतलब थोड़ी बहुत देर में शायद मनीत अपना बैग भी खोलेगी, तो वो भी सब लोग बैठते हैं वहाँ पर और खेलियाँ चलती रहती है, मतलब ये भी मैं ले लूँगी, वो भी मैं ले लूँगी, ऐसा सोच मजाक करते हैं, लेते कुछ भी नहीं है, देखना। चलते हैं भाई अंदर की तरफ। वैसे मैंने ये सारी रस्में पहले सुप्रीति के टाइम पे देखी हुई है, पर आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो आपको दिखाता हूँ। सो ये है अमर भैया, अमर भैया वहाँ बीबी बैठी है, दूसरी लड़की को नहीं देखना है अब। चलो ये जाने वाले आज, इनको मैं मिस बहुत करने वाला हूँ भाई। वैसे हम बहुत जल्द नांदेड़ भी जाएंगे ना, तो नांदेड़ जब जाएंगे तो ज़रूर इनसे मिलेंगे। और भाभी जाने वाली हैं और अंकित भाई जाने वाले हैं भाई। मैंने मस्त दाल चावल खा लिया बढ़िया तरीके से भाई, और छोटू यहाँ पर सो रहा है, तो मैं धीमे धीमे बात करनी पड़ेगी। और ये रहा भाई मनीत का बैग जो खुलने वाला है अभी। ओहो, इसमें क्या क्या निकल सकता है? कुछ भी निकल सकता है, कपड़े, जूते, चप्पल, मेकअप, बैग्स, एनीथिंग इज पॉसिबल। पर मुझे इतना पक्का पता है, मतलब घर के लोगों के लिए गिफ्ट्स होंगे इसके अंदर, पक्की बात है, इसलिए सब लोग आ जाते हैं फटाफट। वो देखो रसम होती है, वो रसम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम इसका सामान भी मार सकते हैं, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना नहीं कह सकती। उसके बाद नर्स से मांग लूंगी, वो कोई नहीं। हाय हाय, सिर्फ जॉय और मैं ही हूं। ये खुल गया। टन टन, जो पसंद आ रहा है उठा लो, ये भी खोलो। ओके, ये तो कपड़े हैं, ये सब, ये तो जेंट्स के कपड़े हैं ना। ऑलराइट, व्हाट इज दैट नाउ? ये क्या है? चल, मैंने हाथ लगा दिया, मैंने हाथ लगा दिया, चल अब तुम रख ले, हो गया। मैं ऐसे ही किया था, बाकियों के लिए भी सिर्फ हाथ लगाया था, सगन कर दिया मैंने। ऐसे ही होता भाई हमारे यहाँ। खुश है, चल अब तू संभाल अपने कपड़े। ओहो हो, कुछ करना है, ये मेरे लिए गिफ्ट आया भाई। ओहो ओहो, पगड़ी वगड़ी सब साथ में ही है। तो ये जीन्स है, तो ये तुम अपनी मम्मा को दिखा दे, अपनी अलमारी में रख दे। ओके, ये दिखाओ मम, ये आंटी अंकल अर्शी को जीन्स है, मनीष के पेरेंट्स ने ऐसे की। हाँ जी, रखो अपनी अलमारी में। ये कहाँ रखूँ? बड़े मम्मी को रख दो, तुम हाँ मम्मा जो मैं रख दूँ, दीदी का सूट, पापा के रूम में। ये पापा मम्मी का है। सो ये लक्की का सूट भी आ चुका है भाई। गुड मॉर्निंग, आई लव यू।
अब टेंशन ही अब टेंशन ही होगी भाई, सिलेगा कौन, क्यों सिलवाई नहीं पता ना कैसे करवाते हैं लकी को। कसम तो पूरी हो चुकी है भाई, हालांकि वैसे ननान का होता है कि ननान अपने मर्जी से कुछ भी ले सकती है, पर लेती कुछ भी नहीं है गिनी दी। मतलब जब सुप्रीति की शादी हुई थी तब भी उन्होंने कुछ नहीं लिया था और अभी भी नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, हम सारा सामान लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि अमर भाई, अंकित भाई और भाभी जाने वाले ना, उसलिए तो उनका सामान सारा गाड़ी में लगा देते हैं ताकि आसान से चले। हम क्रेटा लेके जा रहे हैं क्योंकि इसमें आराम से सब आ जाएंगे, और मनीक भी चल रही है हमारे साथ सी ऑफ करने के लिए। ए तुमसे गेट बंद नहीं हो रहा भाई, डिक्की भी तो बंद करो ढंग से। सो पूरा घर बाहर आ चुका है बाय बाय कहने के लिए सबको, और अंकित भाई भी आ गए हैं। बाय, तुमको मिस करने वाला हूँ मैं बहुत, पर मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ तुम्हारे पास। अपन जाएंगे नांदेड़ साहब। चलो चलो भाई, भाभी को भी ले जाएंगे साथ में, थोड़ा सही रहेगा ना, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। चलो भाई चलते भाई, सारे आ चुके गाड़ी के अंदर। अगर अपने इलेक्ट्रिक लेके जाते हाँ, ओहो सब बाय बाय कर रहे हैं भाई, अरे रो रहे भाई। चलो रोना मत, हाँ रोना मत, रोना मत, रोना मत सब, हाँ मत रोना। जॉय दी रो रही, शाय बाय, शाय बाय, शाय बाय, शाय बाय 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 बाय। चलो भाई निकलते हैं, और हम आपको मिस करने वाले हैं यार, मत जाओ आप, थोड़े दिन बाद चले जाते। नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, हम आते हैं व्यूअर्स को लेके। आप किसको? व्यूअर्स को, व्यूअर्स को लेके, बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब भाई समोसे लेने के लिए और मिठाइयाँ लेने के लिए। पहले जाते जाते आगरा के बढ़िया समोसे खिला दें देसी घी के भैया को। समोसे दो भाई, दोने वोने सब डाल देना, खाने रास्ते में जा रहे हैं। छह कर दिए, चटनी में डाल दिए, ठीक है। ओ भाई इंतजार तो करना था, खाने को भी लग गए तुम, दाढ़ी को लग गए, दाढ़ी को लग गए। वैसे औरंगाबाद से ना काफ़ी सारे लोग नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए ना शादी की मिठाई भेज दे रहे हैं ताकि वो आराम से खा पाए और वो मिस ना कर पाए। चलो कोई नहीं, वैसे तो हम औरंगाबाद जाने वाले, तो सबसे वहाँ जाके आराम से मिलेंगे। बाकी आगरा की मिठाई सबसे बेस्ट होती है भाई। सो भाई पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन भाई, चलते हैं सीधा, बस थोड़ा सा रास्ता और रह गया है। और समोसा स्टेशन पर खड़े होकर खा लेंगे, पता चले ट्रेन ही निकल जाए हम समोसे खाते रह जाएँ, फिर ये यहीं रह जाएंगे भाई। चलो फटाफट चलते हैं। सो भाई ये लोग मुझे जस्ती कर रहे हैं कि तू वापस जा, वापस जा। यहाँ खड़े रह के क्या करेगा, इनको नहीं पता मैं जानबूझ के इसलिए खड़ा हूँ, चेक करने के लिए कहीं ये रहना जाए। तो पूरा ढंग से चले जाए यहाँ से, बाय चांस ट्रेन छूट गई, गलती हो गई कुछ, फिर वापस आ जाएंगे। ओहो तो इसलिए मैं खड़ा हूँ, बंदर अंदर भी आ गए, बाप खतरनाक डराया रे। चलो इंतजार कर रहे ट्रेन का आने का, बहुत ज्यादा लेट है। इनकी फेवरेट ट्रेन है भाई सचखंड, कि वही इकलौती ट्रेन है जो आगरा से सीधा औरंगाबाद जाती है भाई, तो उसी ट्रेन से जाते हैं सब। हाँ फेवरेट ट्रेन है, ऑप्शन नहीं तो फेवरेट हो जाती हो। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है भाई, और बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। बाय बाय भाभी, जल्दी मिलते तुमसे। चलो मीट, चल रहे यार सामान लेके। भागो 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 भागो, ट्रेन निकल जाएगी, भागो, दौड़ के भागना पड़ेगा, जल्दी 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 जल्दी। अब आगे का टाइम आ चुका है भाई, सामान वामान रख दिया है, थोड़ा इमोशनल सा मोमेंट हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा मजे किए थे ना शादी पे, और अब जाने का टाइम हो गया है, पर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, वेलकम बैक। चलो भाई बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, और मैं आपको बता दूं मैंने ना टिकट ले रखी है क्योंकि मनीत के साथ आए, तो इसलिए वैसे मैं नॉर्मली टिकट ले बगैर ही निकल जाता था,
और देखना मैंने टिकट ले रखी ना, कोई चेक नहीं करेगा, मैं कैमरा चालू रखता हूँ। देखो बिल्कुल टीटी के बगल से निकल रहा हूँ। किसी ने चेक नहीं किया भाई, कोई चेक नहीं करता हमेशा। सो आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर, एक एक करके सारे थोड़े थोड़े रिश्तेदार जा चुके हैं भाई। कल बुआ हुआ गई थी, सारे बुआ चले गए थे, चाचा चले गए थे, आज भाई लोग चले गए हैं, अभी सिर्फ मासी मासी रह गई हैं घर में, और एक बहन रह गई है, और उनके साथ एक अपनी नूर रह गई है। बस चलते हैं बाहर, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ये मोमेंट जब लोग जाने लग जाते हैं, पर ठीक है। अभी हम थोड़े दिन बाद ना बाहर निकलने वाले हैं घूमने के लिए, तो जब हम ट्रिप पर निकल जाएंगे तो खुश हो जाएंगे वापस। थोड़ा सैड मोमेंट तो बनता भी है सब जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं घर। सो भाई भैया भैया को छोड़ने के बाद हम आ चुके हैं सीधा शाह मार्केट मनीत का शगुन कराने के लिए, क्योंकि भाई मनीत को भी शाह मार्केट लेके आना बनता है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा शाह मार्केट आता हूँ, जब भी अगर आता हूँ मतलब दिन महीने मतलब हफ्ते में 3-4 चक्कर तो यहाँ काट ही देता हूँ, तो इसका भी आना बनता है अब तो, है कि नहीं। तुझे कवर्स का बहुत शौक है पर कवर्स दिलाने नहीं है इसे अभी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी। सो मनीत काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही थी भाई, मनीत को ना ग्लास लगवाया फ़ोन में, उसका ग्लास टूट गया था, और जो सेम ग्लास उसे लगवाया है वो ग्लास वो डेली में डलवाती है समवेयर अराउंड कितने का, 250 रुपये, और यहाँ कितने का डला हुआ 50 रुपीज़ का, हैरान हो गई ना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये तो हो गया इसका ग्लास, ये एक सेम कवर मनीत के पास भी है, वैसे हमने ग्रीनदी के लिए लिया है। ये कवर कितने का लिया था तूने? 300। मैंने कितने का लिया है? 100। आगरा में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है, या ये भी कह सकते हैं सारे मिलने वाले हैं तो इसलिए सस्ता रेट लगा देते हैं भाई, लेकिन दिल्ली में ये चीज़ें प्राइजेस महंगे ज़्यादा मिलते हैं, प्लस वैरायटी ज़्यादा मिलती है, वैरायटी कम मिलती है यहाँ पे, ये चीज़ मानने की है, लेकिन चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है आगरा में, क्योंकि यहाँ पे रेंट नहीं है, ज़्यादा महंगाई नहीं है, तो यहाँ चीज़ों के अंदर ज़्यादा लंबी मार्जिन रखते नहीं है लोग, कम मार्जिन में अच्छा खासा काम करते हैं यहाँ पे। और ये पूरे जोन में ना मतलब 5-6 सिटी के अंदर सबसे बड़ी मार्केट मोबाइल मार्केट यही है, इवन मथुरा में भी इतनी बड़ी मोबाइल मार्केट नहीं है जितनी आगरा में है, तो मथुरा वाले लोग भी आगरा आते हैं भाई। चलते हैं भाई, है हमारा शहर सस्ता दिल्ली से, अभी तो खाना नहीं खाया, खाना खिलाएंगे बाहर रेस्टोरेंट पे ले जाके, दो दिन तो हुए हैं। वैसे तो कल ही खाया रेस्टोरेंट पे खाना, पर वो प्राइसिंग नहीं बता ना, इसे प्राइसिंग बता चलेगी जब खाएंगे तो। चलो भाई चलते हैं सीधा घर की तरफ अब। आते ही भाई साहब अपना सामान इकट्ठा करने के लिए बैठ चुके हैं, और ऊपर से केक वेक भी खा रही है दबा के। मेरी मम्मी का बर्थडे है, मैं केक यहाँ पे खा रही हूँ। मम्मी वहाँ केक खा रही है। वैसे ही आपको क्लिप मिल जाएगी एंड तक वीडियो तक, कि मम्मी ने बर्थडे कैसे बनाया वहाँ पे, और इसको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, गिफ्ट दिखाओ कौन से मिले। अभी गिनती दे के गई है, क्या आपका है? ओहो प्राडा, वाओ, ये मेरा है, ये पकड़ो, रखो रखो, ये है भाई रेबैन, और ये मेरी आउटफिट के साथ भी फिट हो रहा है, वैसे शाम हो रही नहीं तो सुबह में होती तो ज़रूर पहनता, पगड़ी के साथ मैचिंग कर रहा ना, मस्त लगता, पर अभी शाम को पहन के लूँगा तो सब लोग जमूरा समझेंगे, इसलिए नहीं पहन रहा हूँ। और ये एक बैग भी मिला है इसे, टॉमी हिलफिगर का, वाह मस्त है। चल ठीक है, तेरी शॉपिंग डन हो गई, अब इसके बाद कुछ जलाना थोड़ा तेरे को, रुको सबर रखो, एक गिनवाती हूँ। अबे और भी है, दो
ये भी दिया उन्होंने अभी नहीं। अच्छा क्वार धोती पे गिनी दिया था। अच्छा और बाकी तो मेरे खुद के। अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगा कि लगातार गिनवाती चली जाएगी। इतने फ्लो में आएगा। बैग्स की बहुत। अच्छा बैग्स बता रही थी, बैग्स बहुत सारे हैं। अच्छा ये कहना चाह रही थी, मैं बोलूं पता नहीं कितने सारे और गिफ्ट दिए, मुझे सिर्फ दो ही दिखाए। गंदी है गंदी, ये छुपा के रख लेती, मैं बताती नहीं है, इसलिए मैंने पहले खुलवा ली कैमरे की जरूरत। ये मुझे देखना है सब कुछ। हाँ वो मैं खोल चुका हूँ, अब मैं इसे दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त है, मुझे लगा शायद मिलने भी गिफ्ट आया होगा। लेकिन पता क्या है, एक बार शादी जाती है ना तो अपनी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। कोई वाला हाल है। सो भाई ये अभी जस्ट इसने अपने अपने आरी से खोला और ये सारी अलमारी भी सजाई इसी ने ही है बहुत देर से बैठ के। और भाई सामान ये क्या है, किसका है, किसने दिया था तुम्हें? कल गिफ्ट मिला था ना वही है। नहीं 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 अभी पता नहीं था तुम्हें, क्या लगा था पहले क्या ये? मुझे लगा वो मम्मा ने जो सूट बनाया उसमें से कुछ है। अच्छा ऐसे यहीं पड़ा था ना। हद हो गई, मतलब अपना गिफ्ट देख के भी पहचान नहीं पा रही गिफ्ट है इसका। हद हो गई यार, मैंने थोड़ी खोल के देखा था। तो खोल के देखना था ना, तब रख दिया था। चलो आप खोलो। मस्त है कलर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई थोड़ी बहुत देर के लिए मैं आ चुका हूँ घर से बाहर, हर्ष आ चुका है। हर्ष का ये कहना था कि भाई शादी के बाद तू मिलेगा नहीं, अब तो नहीं बोले भाई मिलने आ चुका हूँ। तो चलो अब खुश है भाई, एक क्लिप और पड़ी है मेरे पास। हाँ। ठीक है ठीक है, पक्का डालेंगे। चलते हैं अभी कुछ खाने के लिए बाहर, और इसका मन भी था मिलने का शादी के बाद। कह रहा भाई तू अभी तक मेरे साथ बैठा नहीं है, तो मैंने बोला चल भाई तू आ जा, साथ में बैठते हैं कुछ खाने चलते हैं, स्नैक्स स्नैक्स। तो जा रहा हूँ भाई हर्ष के साथ, थोड़ा बहुत राउंड राउंड मारेंगे और फिर भाभी से परमिशन ले जानी पड़ जाती है और उसको बताना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितनी देर में आ जाएंगे, प्लस कितना पानी पीना है, एग्जैक्टली सारी चीज़ बतानी पड़ती है। बोला था ना चेंज होएगा। हाँ काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब मजाक कर रहा हूँ कुछ भी बताए बगैर आ गया हम। सो भाई हम वापस जा रहे हैं घर के तरफ और अपन ने मस्त से स्नैक्स स्नैक्स खा लिए हैं भाई, मैं वीडियो बनाना भूल गया था भाई, और अब चलते हैं सीधा घर। और भाई हर्ष और मैं मस्त टाइम स्पेंड कर चुके हैं, पर अभी हमें को पर अपन को अभी टाइम मिला है कम, क्योंकि घर में खाना वाना बना हुआ था, तो घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं जल्दी आ जा। अभी क्या है ना डिमांड हाई में हम शादी नहीं हुई है तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे साथ बैठे हमारे साथ बैठे, तो चलते हैं घर। और कल अपन फ्री टाइम साथ हर्ष के साथ बैठेंगे पक्का। पक्का भाई जाने भाई, चलो चलते हैं भाई। मन तो कर रहा है भाई कि अभी थोड़ी देर और बैठे पर टाइम नहीं बचा, तो चलते हैं। सो मैं लौट के आ चुका हूँ घर और भाई सब लोग पहले ही खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं भाई, मैं लेट आया हूँ। और मुझे ये लग रहा था कि लगभग मेरे लिए सब रुके हुए होंगे खाना खाने के लिए, पर इन लोगों ने तो पहले ही खाना खा लिया भाई। चलो कोई बात नहीं, अब खाना खाते हैं बढ़िया सबके साथ बैठ के। वैसे लगभग सारे लोग खाना खा रहे हैं पर डिस्कशन पता है किस चीज़ का हो रहा है, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाने का भाई। पता है क्या है, सब लोग मिस कर रहे हैं मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना, मैं बहुत टाइम से खाना बना नहीं रहा हूँ घर पे इसलिए। और पता है क्या, टाइम ही नहीं मिलता, थक जाता हूँ, फिर मैं मन नहीं करता है खाना बनाने का, और मेरा खाना बनाने का सीन ही होता है मैं सुबह से लगता हूँ शाम तक खाना बनाता हूँ, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। देखते हैं एक आधे दिन प्लान करेंगे, खाना वाना बनाएंगे घर में पक्का। मनीष को खिलाएंगे। हाँ मनीष को खिलाएंगे। ठीक है पक्का। हमारे को हम तो दुश्मन है तेरे। हाँ तुम दुश्मन हो मेरे, ये मेरी मासी है चिट्टी मासी।
सो भाई मैं गाड़ियां छोड़ने गया था गुरुद्वारे, क्योंकि घर में तीन तीन गाड़ियां लगाने में मुश्किल पड़ती है, और वैसे भी अब मैं एक ड्राइवर रह गया हूं, तो एक्स्ट्रा गाड़ियां रख के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं रिट्स को छुड़ाया वापस गुरुद्वारे। और वापस आया हूं तो मैंने देखा भाई मनीत ने भाई मीठा बना दिया, भाई मीठा बना दिया। मीठा बनाने के लिए क्या मिला? अभी रिंग मिली है। अच्छा, और बड़ी मम्मा ने पैसे दिए। ओहो, ये तो फायदा हो गया। मैं भी मीठा बना देता हूँ, मैं भी मीठा बना देता हूँ। अरे मुझे भी तो दो, मैं भी मीठा बनाता हूँ। अरे एक सेकंड, चलो अभी प्रसाद खाते हैं आराम से। सो भाई खाना बनाने की रस्म तो हो चुकी है भाई, अब बची है भाई वो गले की रस्म, गला टेस्टिंग चल रही है अब। गाना बना गा के दिखाइए भाई, चलो भाई दिखाइए। मेरे पास है, मैं दे दूंगा। अरे अरे तुम यार बजान तो दो यार। ये तो हाथों की टेस्टिंग हो रही है, गले की टेस्टिंग तो हुई नहीं। बोला गाना गाइए, बड़े मम्मा को लेकर आओ। पीछा बोला। सो काफी ज्यादा मस्त दिन रहा भाई आज, वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। काफी ज्यादा मजा आएगा भाई कल वाले व्लॉग में भी, आज अपने थोड़े बहुत रिलेटिव चले गए, अभी तो खैर बाकी सब लोग यहीं रहने वाले हैं, कल कोई नहीं जाने वाला है, लेकिन हाँ हम कल कुछ एक्सप्लोर करेंगे और ईवी को भी लेके जाएंगे बाहर, मनीत को भी घुमाएंगे भाई, ड्राइव ड्राइव पे लेके जाएंगे। देखते हैं एक या दो दिन ना मनीत को कार भी सिखानी है भाई, ताकि आराम से कार भी चला सके, और फिर टू व्हीलर भी सिखानी ताकि टू व्हीलर भी चला सके भाई। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।